हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सारे? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह सुबह का टाइम है, मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग पर। बाइक लेके निकलने वाला था मैं, बट बाइक अभी धोई नहीं है एंड मेरा वॉचमैन अभी तक जागा नहीं था। जैसे कि आप सभी ने देखा कि ये जो वॉचमैन था, सिक्योरिटी गार्ड, वो सो रहा था। अब यार मुझे एक बात क्लियर करनी है, अगर कभी भी आपको कोई वॉचमैन सोता हुआ नज़र आता है, यू नो, उसे उठाइए मत, स्पेशली जब वो इतना बुजुर्ग हो। बहुत बार देखा है कि लोग क्या करते हैं कि बिल्डिंग में हंगामा कर देते हैं कि वॉचमैन सो रहा था, वॉचमैन की उस जागने का काम है। वी अंडरस्टैंड, यस, बट अगर कोई बुजुर्ग है और वो नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते पूरी पूरी रात, एवरी डे, वन डे, एक दिन पार्टी करना, मजे करना इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट पूरी रात जागना, काम करना, खड़े रहना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लोग कभी कभी डबल शिफ्ट करते हैं, यू नो, एज है। अगर हम और आप नहीं उठ पाते पूरी रात जाकर पार्टी करने के बाद, तो ये लोग कैसे पिला जा सकते हैं? सो उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। थिंक अबाउट कि अगर आपके माता पिता हों और उनको काम करना पड़े 70-80 की एज में, तो कितना उनको फील होगा। डिफिकल्ट जॉब, ठीक है। सो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन हो, उन्हें मत जगाइए एंड प्लीज हेल्प एज मच एज यू कैन। अभी मैं जा रहा हूँ जुहू, आज मेरी ट्रेनिंग वहाँ पे है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा था सुबह सुबह। थैंक यू। ओह या, आई लव नागरपानी। यार जैसे कि मैं कह रहा था कि पॉइंट ये है कि हम जब वॉचमैन्स को सोता हुआ देखें, या कभी ऐसा होता है कि रात को हम लेट आए, दरवाज़ा टाइम पे नहीं खोल पाए मेन गेट, हो सकता है उनकी आँख लग जाए, तो एकदम चिल्ला के कि तुम्हारा काम है, यस उनका काम है, बट वो भी इंसान है। वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। सी, वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सब इंसान हैं, हम सब काम करते हैं, बट कभी कभी हमारे काम में भी चूक हो जाती है। सो वो सोचकर, यू नो, गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट, इतना ज़्यादा उन पर चिल्ला के, हॉन्क मार मार के, पूरी बिल्डिंग को जगा के कोई मतलब नहीं है। वो खोलेगा दरवाज़ा, अगर वो बिजी है, वॉशरूम गया है, आँख लग गई है, तो वो भी इंसान है। मैं जा रहा हूँ घर, मेरी बाकी की ट्रेनिंग होगी ऑनलाइन। हाँ जी, तो आ गए हम घर, अब घर जाके करेंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग।